हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं कंपटीशन के। अक्सर लोग कंप्लेंट करते हैं कि आज चारों तरफ बहुत कंपटीशन है। किसी भी लाइन में अगर हम काम शुरू करते हैं तो उस काम को चलाना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन हमें ये देखना है कि कंपटीशन है कहाँ। लोग जहाँ पे एक ही प्रोडक्ट की अगर दो चार दुकानें हैं, जैसे गारमेंट्स की है या शूज की है या वॉचेस की है, किसी भी मतलब की अगर एक मार्केट में जहां दो से तीसरी दुकान खुलती है तो उनको घबराहट शुरू हो जाती है कि यहाँ कंपटीशन है। लेकिन अगर आप इस बात को थोड़ा गहराई से देखें तो जिस मार्केट में कुछ हमारी होलसेल की मार्केट है या कुछ जैसे करोल बाग में ऑटो पार्ट्स की मार्केट है, क्लॉथ मार्केट है चांदी चौक में, जहां पे सिर्फ 100% सिर्फ एक ही प्रोडक्ट की सारी दुकानें हैं, तो वहां पे क्या है कि कंपटीशन तो है लेकिन वहां पे कस्टमर जो है वो भी 100 times ज्यादा आता है। रीजन बीइंग कि हर कस्टमर को ये पता है कि मैं उस मार्केट में जाऊंगा तो मुझे जरूर मेरी चॉइस की चीज जो मिल जाएगी। हम लोग जो है कंपटीशन को सिर्फ देखते हैं प्राइस के साथ कि वो थोड़ा 10 रुपए सस्ता बेच रहा है, वो 50 रुपए सस्ता बेच रहा है, या किसी में क्वालिटी में थोड़ा फर्क होता है। लेकिन इन चीजों के अलावा अब जैसे हालात चेंज हुए, अब जैसे जैसे लोगों का लाइफस्टाइल चेंज हुआ, तो एक बहुत बड़ा चेंज लाइफ में आया, वो है टाइम फैक्टर। आपने रिसेंटली नोट किया होगा कि आजकल बहुत सारे पिज्जा वाले ऐड करते हैं, तो उसमें प्राइस क्वालिटी सेकेंडरी हो जाता है। कस्टमर को जब भूख लगी होती है और वो फोन पे ऑर्डर करता है तो वो गारंटी करते हैं कि हम 30 मिनट में आपको पिज्जा डिलीवर कर देंगे बना के आपकी चॉइस का। अगर 1 मिनट भी लेट हो जाता है, 31 मिनट या 35 मिनट हो जाते हैं, तो वो पैसे चार्ज नहीं करते। तो हमें ये देखना है कि कंपटीशन तो है लेकिन हम उस कंपटीशन में ऐसी क्या कोई एक वैल्यू एडिशन कर सकते हैं जो बाकी लोगों के पास नहीं है। पिज्जा तो बाकी लोग भी बना रहे हैं लेकिन इसने 30 मिनट की गारंटी करके पूरी मार्केट का एक बड़ा हिस्सा जो है उस पर कब्जा कर लिया। तो इसी तरह एक छोटा सा एग्जांपल मैं और देना चाहूंगा। पीछे जब हमारे यहाँ गेम्स हुए थे तो उसके बाद होटल इंडस्ट्री में बहुत ही मतलब कि एक पहले बूम आया, फिर एकदम स्लो डाउन हो गया था, तो होटल वालों को अपने होटल चलाने मुश्किल हो गए थे। तो दिल्ली में एक बहुत बड़ा 5-star होटल है, नाम लेना ठीक नहीं है, तो उन्होंने जब चेयरमैन साहब ने सब अपने ऑफिसर से अपने मैनेजर से सजेशन मांगे तो सबने कहा जी हम 2 दिन के साथ 1 दिन का स्टे फ्री दे देते हैं, हम बफे फ्री कर देते हैं, हम ये ऑफर दे देते हैं। उन्होंने सबकी बातें सुनी और लास्ट में 1 मिनट में उन्होंने अपना डिसीजन दिया। उन्होंने कहा कि कोई स्कीम, कोई डिस्काउंट, कुछ ऑफर नहीं करने की जरूरत, जो कुछ अभी है, जो चार्जेस हमारे हैं, चाहे रूम रेंट है चाहे हमारे खाने के हैं, आप 20% कल से इसको बढ़ा दो। उन्होंने 20% को चार्जेस अपने बढ़ा दिए। सारे एक बार तो हैरान हो गए कि ये क्या हुआ, लेकिन साथ में उन्होंने 4, 6, 10 चीजें बताई कि ये आप रूम सर्विस में ऐड कर दो, ये आप खाने में ऐड कर दो, ये बाकी जो और फैसिलिटीज है हमारी ये उसमें ऐड। तो जैसे ये मैसेज कस्टमर्स तक पहुंचना शुरू हुआ तो दूसरे होटल जो अभी भी स्ट्रगल कर रहे थे अपने मार्केट को कैप्चर करने के लिए, उनके कंपैरेटिवली इन्होंने रेट बढ़ा के उससे कहीं ज्यादा मार्केट का हिस्सा जो है वो अपने पास ले लिया। तो थोड़ा सा प्रोफेसर साहब से पूछते हैं क्योंकि इनका भी बहुत जबरदस्त एक्सपीरियंस है कि ये कंपटीशन के बारे में क्या सोचते हैं। सर, कंपटीशन का असली मतलब ये है कि आप किसी दूसरे से नहीं, अपने पास से, कल मैं कितना कहां पे था वहां से आज कितना आ गया जी, ये कंपटीशन का सही परिभाषा है। अगर हम मिल्खा सिंह की बात करें तो मिल्खा सिंह ने जब अपना एक गेम ऑस्ट्रेलिया में लूज किया तो उस समय वो अपनी एक गलती के कारण दिखाते हैं कि वो शीशे को देखता है और अपने मुंह पे चांटे मारता है और अगले गेम में वो इतना अच्छा एक्सेल करता है कि वो मेडल लेके आता है। हम अपनी गलती को एनालाइज करें और अपने आप को पेनालाइज करना है या अपने आप को अवार्ड करना है, रिवॉर्ड करना है, ये देखें और उसके बाद आप कहां पहुंचते हैं। कंपटीशन बाहर से नहीं, अंदर से है और वो आप कम्पीट कर पाएंगे। अक्सर जब कभी हम इस तरह के हालात से निकलते हैं तो बहुत सारे लोग हमदर्दी जताते हैं लेकिन अपनापन बताते हैं, लेकिन एक्चुअली जो है वो हमारा वक्त है वही हमें बताता है कि कौन हमारा कितना अपना है। तो प्रोफेसर साहब ने बिल्कुल ठीक किया, आप अपने आप को पहचानो, अपनी क्वालिटीज को पहचानो और उसके बाद आप देखो
कि आपके लिए किसी तरह का कोई कंपटीशन नहीं होगा और आप चाहे किसी भी फील्ड में आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। थैंक यू।